आम आदमी पार्टी के बैनर तले आज खुशबू मंडल की निर्मम हत्या के विरोध में धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर एक दिवसीय धरना देते हुए पार्टी ने विरोध जताया। मंडल हाय 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 सरकार मुर्दाबाद, रघुवर सरकार मुर्दाबाद, फुलचंद मंडल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, रघुवर सरकार हाय धरना के माध्यम से कांड की निष्पक्ष जांच के लिए प्रशासन को अवगत कराते हुए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं परिवार के बयान के आधार पर धारा 302 का मुकदमा पुलिस को दर्ज करना चाहिए था, परंतु पुलिस ने सिर्फ यूडी केस दर्ज कर कान में रुई डालकर सो गई है, जिसके कारण धनबाद वासियों में काफी आक्रोश है। साथ ही राज्य और केंद्र सरकार से मांग करते हुए कहा कि पूरे मामले की जांच सीबीआई से हो, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ सके, ताकि परिवार को न्याय मिल सके। आम आदमी पार्टी के झारखंड राज्य समिति के सदस्य राजकुमार सोनी ने कहा कि स्थानीय विधायकों को इस कांड की जांच के लिए सीबीआई को प्रेरित करना चाहिए, जिससे खुशबू के हत्यारे को अविलंब सजा मिल सके। रघुवर सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा दे रही है, आज हमारी एक बच्ची खुशबू मंडल जान से हाथ धो बैठी है, जान चली गई है उसका। और जैसा कि सुनने में आ रहा है कि विधायक पुत्र का उसमें नाम आ रहा है, अभी तक जो पुलिस है मामूली यूडी केस दर्ज करके रखी है। हमारी मांग है कि वो 302 में धारा बदले, और जो गुलचंद मंडल जी का रिश्तेदार का नाम आ रहा है, लड़के का नाम आ रहा है, उनके बच्ची का फादर और मदर हमारे बीच में आए हुए हैं न्याय के लिए। हम लोग मांग कर रहे हैं कि इस घटना का, चूंकि सामने वाला सत्ता पक्ष है, इस घटना का जांच सीबीआई से होनी चाहिए और हत्यारों को जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए। के फुलचंद मंडल जी विधायक है, जिन प्रतिनिधि है, और उन्हीं के क्षेत्र का घटना है। हमको आश्चर्य होता है, इस घटना के लिए उनको तो सबसे पहले आगे आके जांच का मांग करना चाहिए था, लेकिन अभी तक इस घटना में मौनी भाव बने हुए। हमारा बेटी 29 अगस्त को घर से सोनाली ने बुला के ले गई है, और ले जाने के बाद हमें शाम को 5 बजे खबर मिली है कि राधा कृष्ण मंदिर में पड़ी हुई है, और पड़ने के बाद हम जिस तरह गए तो वहाँ मिला नहीं। हॉस्पिटल गए, सरकारी हॉस्पिटल बलियापुर, वहाँ भी नहीं मिला। बोला पीएमसीएच ले गया, और पीएमसीएच जाने के बाद हमको वहाँ मृत मिला, जो कि मेरी बेटी को जोर जबरदस्ती जहर पिला के सोनाली ने हत्या किया है। सोनाली ने किया, बुला के ले गया, सोनाली ने किया है। आपको क्या लगता है इसके पीछे किसका हाथ? इसका पीछे किसी का तो हाथ होगा ही, लेकिन हमको कैसे पता चला किसको? सोनाली से क्यों नहीं पूछताछ कर रहा है? सोनाली कहीं बोलता है वो है, कहीं बोलता है ये है, कहीं बोलता हम नहीं गए। अभी तो बोल रहा था कि हम बिग बाजार नहीं गए, ये भी पता कैसे आ रहा है? सोनाली ने लिए है पत्रिका के सामने, किस लिए लिया है तो उससे